ਕਿਆ ਹੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਸਾਂ ਜਾਇਆ ਤੜਕ ਪੋਣੀ ਮੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਨ ਪੁੱਛੀ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਪੀ ਗਏ ਸਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋਨ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਮਿਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਰਾ ਸਾ ਘਰੋਂ ਕਸ਼ਾ ਕੰਦ ਖਾਤੇ ਅੰਦੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਕਿਆ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਲੈਸਨ ਦੱਪਣੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕੋਣ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਣ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਕਿੰਦੇ ਪਿਓ ਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਜਾ ਹਮਨਾ ਚੱਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਵੈਂਦੀ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿੱਕੇ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ ਕਰ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ आप सबने करना है इंजॉय और उनका देखना है रिएक्शन रिएक्शन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआएं हैं माशाल्लाह से जी सुबह हो चुकी है और आज यहाँ पर है जी हज मुबारक मतलब आप सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो और माशाल्लाह से जिन हमारे बहन भाइयों को माशाल्लाह से हज की सआदत नसीब हुई है उनको तो लाखों करोड़ों बार जो है ना हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखे और इस बड़ी ईद पे अल्लाह पाक आपको बड़ी बड़ी खुशियां दे हमारी ये दुआएं हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग में ही देखें आपको नजर आ रही है भाभी जान और साथ में भाई जान और उधर कैमरा मेरा गलती से घूमा है लेकिन आई एम सॉरी आप सब ने जो है ना जैसे सब ने इग्नोर किया आपने भी इग्नोर करना है। ये लड़क के जो है ना शलवार पहनाई जा रही है ओ फिर मैंने इधर कर लिया क्योंकि बच्चे का जंप जो होता है ना वो गलत होता है। और भाई जान आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है बेहतरीन फर्स्ट क्लास माशाल्लाह प्यारे होते जा रहे हो खैरियत आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हूँ। मैं तो कहता हूँ करीम शरीम में लगाने की कोई जरूरत नहीं है सेव पानी नहीं होता नेहरू में उनमें जाकर दाया करें साबुन से दवाया दवाया करें जिससे चिट्टे हो जाते हैं। और इधर बैठी है माशाल्लाह अम्मी जान दी ग्रेट। अम्मी जान आप ठीक है? हाँ जी ठीक है जबरदस्त हो हाज नहा लिया नहा लिया। अच्छा हमारे पास ना ये है कि मतलब हज वाले दिन ना हम सुबह सुबह नहाते हैं मतलब हर बंदा ना जाके नहा लेता है और फिर न्यू कपड़े पहन लेता है। कहते हैं हज वाले दिन ना हमें जैसे बताया गया है कि एक ऐसा इंसान का एक बाल होता है जो हज वाले दिन जो है ना वो मतलब उस पे गीला होता है बाकी यानी के पूरा साल जो है ना वो वाला बाल गीला नहीं होता। अब पता नहीं वो बाल है किधर जो सारे साल गीला नहीं होता और इस हज वाले दिन गीला होता है इसलिए कहते हैं कि नहाना जो है ना वो लाजमी है। बाकी आप सब ने बताना है आप सबके मतलब क्या ख्यालात हैं और क्या ये बात सच है इसमें कितनी हकीकत है या मतलब ऐसे बातें हैं ये सारे चीजें ना आप सब ने जिसको भी इस चीज का इल्म हो ना वो हमें जरूर बताएं। हम यही समझ के ना हज वाले दिन फिर नहाते हैं। हाँ जी बिल्कुल हाँ। ओए हसन सुने कैसे हो ठीक हो? ये उंगली मारनी है कैमरे में? नहीं नहीं उंगली नहीं मारनी तू मेरा सोना पुत्र है मिठा मिठा। कल किधर गए थे? और इधर जी माशाल्लाह से बैठी है मेरी रानी पठानी। रानी पठानी अगू कि आंदी है सारी दीवानी मोती रगड़ी बैठिया रानी पठानी मोती रगड़ी बैठी रानी ईद के बाद ना अभी माशाल्लाह से ये रानी पठानी पे शुरू होनी है ना शादी। ईद के बाद तो मुंशी भाई का जो है ना वो फंक्शन स्टार्ट होगा और शादी पे आपको पता है पहले जाएंगे। इनवाइट कर रहे हैं कब का फिर ईद कल खत्म हो जाएगी परसों चले जाए। कौन इनवाइट कर रहे हैं? मुंशी। तो हमें तो नहीं पता ना हमें इनवाइट नहीं किया उन्होंने। हम जो कह रहे हैं आप कहते रहो मुंशी जब खुद कहेगा तो मजे की बात हम इतनी हैप्पी है हमारे बच्चे इतनी हैप्पी है कि मुंशी भैया की शादी हो रही है और हम जो है ना हफ्ता आपने ना वैसे देखो उन्होंने बताना तो है साफ जाहिर है हम तो मामे हैं और उन्होंने कहा सारा कुछ करना ही आपने है
बाकी ये है कि आपने भी मुंशी को नहीं कहना, मुंशी की हालत देखें कि वो क्या करता है, हमें खुद है। कहता है या नहीं कहता, ये हम देखेंगे करके फिर बताना कि उनको तो नहीं कहा। हाँ मुंशी को नहीं बताना, देखते हैं कि क्योंकि जिसकी शादी होती है ना उसका चेता जो है ना वो रल्ला हुआ होता है, उसका दिमाग जो है ना पट्टा हुआ होता है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता, ये हमने हालात देखे हुए हैं। बाकी तो हमने जाना है इंशाल्लाह ताला, वो तो शादी जब डेट डाल रहे थे उस टाइम भी आप ही ने फोन किया था कि अभी ना हम डेट डाल रहे हैं कि कब डेट जो है ना वो शादी रखें, तो आप आ जाए और आप सब जो है ना साथ होंगे। कब जा रहे हैं? ईद के बाद। ईद के बाद अल्लाह पाक जब जिंदगी देगा ना इंशाल्लाह। अभी जिंदगी अल्लाह पाक ने नहीं दी यार, इतनी अरसा हो गया हम नहीं गए तो ये जिंदगी है ना, इतनी अरसा। मैं ना फैसला करता हूँ उसी टाइम को, पहले सोच नहीं रखता इस चीज की, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है। ये तो आपकी बात, हमारी सोच पता नहीं क्या है, आगे अल्लाह पाक की सोच क्या है ये भी तो देखेगा। हाँ अगर वो आपसे रब्ता करती हैं, कह रही हैं कि आप शादी से पहले सामान वगैरह खरीद कर आए, अगर आप जाए ना, ये तो ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन चली जाएगी ना, कितने दिन जा रही है? जाना तो आए, वो तो बुला रहे हैं, लेकिन इधर की शादी जो है फैजाबाद। हाँ इधर भी तो, इधर भी तो जाना है ना, फिर उधर अलीपुर में जाए, फिर इनकी शादी के बाद इनकी शादी ठहरते है ना, इनकी शादी खा के जाते हैं तो उधर तो मेहंदी खुल जाएगी, उधर वो नाराज हो जाएंगे। चलो इधर जाने के लिए भी बहुत फैमिलियां हैं, आप उधर अटेंड करें, हम इधर अटेंड कर लेंगे, साल जरा मजबूरियां भी होती हैं। अब एक साथ मजबूरी में हम निकल गए, मजबूरी हम उधर निकल गए, बाकी सब लोग आ जाएंगे, डराव नहीं होना। मैंने उसको बताया, मैंने उनको बताया भी है, इनकी डेट जो है ना पहले वो थी तकरीबन 12-13 को इनकी शादी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर इन्होंने डेट आगे आगे कर दी डेट को। फिर मैंने कहा हम उधर चले जाएंगे। अब ना मुंशी की शादी है चांद की 25 को, इसी सीधे लड़के जो चांद की, यार ईद होगी ना 10 को, 15 दिन बाद शादी है उसकी, 15 दिन में सामान लेना है ना, काम करना है ना, सामान लेना है, 15 में से दो किस चीज के काटू भाई? हाँ तो शादी शुरू मतलब के 13 दिन वो रहे और 2 दिन 14-15 दो दिन में वो शादी पर नीच जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इनकी जो है ना, इनकी क्या अंग्रेजी की है मेरे ख्याल 26 अंग्रेजी की, 7 दिन का फर्क है, 7 दिन का, इनकी शादी हो जाएगी बकाया, मुंशी की शादी को 7 दिन रह जाएंगे, ये देखो यही बात है। अगर मेहंदी ये कार्ड दे के गए हैं, ये 24-25-26 3 दिन की शादी। हाँ जी 24 को जागा, 25 को जो है वो रवानगी बारात, 26 को दावत वलीमा। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हम आ चुके हैं बाहर, क्योंकि हमने करनी है प्लानिंग, सबा ने और मैंने, और आप सब ने करना है इंजॉय, और उनका देखना है रिएक्शन क्या है। तो इंजॉय ये सभा को अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी ना हम मतलब अभी अंदर अम्मी जान बैठी हैं, भाई बैठा है, भाभी बैठी हैं, ठीक है, तो बल्कि अम्मी जान मेरे ख्याल में चली गई, अम्मी जान नहीं बैठी, भाई और भाभी बैठे हैं, तो मैंने एक मिनट इसको बाहर बुलाया। तो अभी ना हम यहाँ पर थोड़ा सा ना एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते हुए अंदर दाखिल हो जाएंगे, और वहाँ पर ना थोड़ा सा रोला शोला मचाएंगे, और देखेंगे भाभी और भाई जो है ना वो क्या करते हैं। ठीक हो गया? हाँ, ठीक। मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, वो जो आए हैं तूने उनसे पानी पूछा है, उनसे पानी पूछा है तूने, तूने उनसे खाना पूछा है, मेरे भाई और भाभी आई हूँ, यानी कि मैं उनकी सपोर्ट में जाऊंगा ना, लेकिन देखना फिर भी वो मुझे ही कहेंगे कि यार हमने पूछा है उनसे ये है वो, देखते हैं कि बहरहाल होता क्या है। ठीक है चले आप, चलो चले आ जाओ, ऐसा ऐसा ना जैसे करीब जाएंगे ना फिर रोला थोड़ा बढ़ा देंगे। हाँ तो अभी जी होने वाला है बहुत बड़ा VIP प्रैंक, तो आप सबको ना काफी अरसे से देखने को नहीं मिला ना, तो फिर हमने कहा चलो यार, इनमें थोड़ी होने तो दिमाग तेरा ही खराब है ना, तेरा दिमाग खराब है। हाँ यो जा क्यों काम की थी तू, ओ जो है तू यो जा काम क्यों की थी, मेरे को डास क्या घर है कोई चीज पूछी है सारे कनो, तू क्या? अच्छा ये सर दिमाग खराब, दिमाग खराब मेरा ना, दिमाग खराब मत करो, मैं तुझे कह रहा हूँ मेरा यार, आराम क्या यार, ये मजाक ये हाथ होती है यार, कोई मसला नहीं यार, तू बंदा पानी तो पूछ लेता है मेहमानों से, थोड़ी सी यार थोड़ी कुछ नहीं पूछती, आप कहते हो
उनसे उनकी आप खिदमत करती हूँ। मैंने आप लोग से कुछ नहीं पूछा क्या? पूछा है, सब कुछ पूछा है। कहाँ पूछा है? मैं साथ बैठा था, कहाँ पूछा है इसने बताओ? जब आप बाहर गए थे मैंने पूछा है भैया। नहीं, मैं इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड था कि सब सबको तेरी असलियत का पता चले ना, सबको असलियत का पता चले इस चीज का। माजरत ये हर बार ऐसे करती है। तू ना यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से ना। यार तू आराम कर, क्या है मकसद, क्या लेसन डपनी यार? तू यार वड्डा फिर बंदा समझते हर गाल कौन कोई जावे हुंदे कोई बंदा पानी ना पूछे यार। पूछे थे यार अपने घर दे गवारे थे क्या? अच्छा बहरहाल तू यार बाहर निकल चल। अच्छा मेहरबान, मेरे कमरे चो ईद दी दिवार है, क्या मजाक। मेरे कमरे चो बाहर निकल। अच्छा वैसे भी तो चल तू निकल, दिमाग खराब कर दे यार। तू आराम कर यार, चेता पटिया चेता पटे ऐसे हर मतलब दिन को रात को यही हाल है इसका, बात बात पे झगड़ना बात। अच्छा तेरी जुबान को चुप आंदी पिए? चुप कर दू, चुप इंसान ना चुप कर दे वहां दे, तेरी जुबान है ना जेडी हुआ से नहीं प्यास ले आता। आराम करो, कोसा चुप कर, मैं तू क्यों काम कर रहा है भाई? इवे ज्यादा रोले को देने में छोटी जी बंदा को यार कोई हम दे आते बहा दे बंदा पानी पूछ दे उंगनो रोटी पूछ दे के कितने अरसे दे बाद है तू पानी रोटी तक पूछू ना गनो पूछी तो गाल की थी। छोड़ यार, छोड़ यार, तुम जरा छोड़ छोड़ दे जरा। क्यों छोड़ा यार, तमीज है बंदे दी यार। चल निकल अपने घर चल आराम यार, मैं एक ना इन प्यो मादे घर पूजा हमना चल जो बाकी दे ही कहने वेंदी हो यार। तू क्या है यार, तू क्यों धक्के देना ते? मैं हां तो तुम्हारी यकन औरते हां हां दे देना और मैं रखे रहते हैं दूसरा चाटा। दिमाग खराब है तुम्हारा भी इडिया, मैं ते को वार्निंग देना पे इधर साइड पे आ, इधर साइड पे आ, चल बाहर जोल यार जोल। ओ एको भी यार तू क्यों तो ते को कहें तू बल्दी ना दे चुप कर दे बैठ ही चुप कर दे कौन ना दिमाग है फेल ही ना। हां मेरा चंगे भले बाल ईद दा मौका कुछ दा तमीज होनी चाहिए, आगे पीछे नाच सकदा मैं तू आज तक को कहते तो गिल्ला दे मेरी तो रोटी पानी का ने पूछा। देखो यार यार कुछ भी नहीं है, मैं तो वीडियो बना रहा था, हम तो प्रैंक कर रहे थे, आपने हमारे साथ किया था, हमने कहा आपके साथ भी कर लो यार, आपने हमारे साथ प्रैंक किया ना, मैंने इसको इशारे से बाहर बुलाया, मैंने कहा यही बहाना करना है। रुक जाओ नहीं शुक्रिया भाई आपने मुझे मारा नहीं, उम्मीद तेरे पे बहुत थी। शुक्र अल्लाह भाई से खाए थे ना मुखलिस भाई से बच गए हो, चिंता मतलब कुछ और रह गए, ये दो चार छोटे हैं ना ये पहले हूं ना बोले ना तू अगर ये हंसता ना तो फिर खाता ये अभी हंसता ना मेरी बारी थी देखने वाली थी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो प्यारे बहन भाइयों आप सबको ये वाला प्रैंक कैसा लगा? हमने कहा अभी अभी जो है ना हम ताजा बदला लेते हैं इनके साथ, करते हैं प्रैंक, इन्होंने हमारे साथ किया तो हम करते हैं इनका, इनका भी प्रैंक आप जरूर देखिएगा समीना विलेज फूड के, इन्होंने भी प्रैंक किया है तो हमारा प्रैंक जो है ना वो आप किया है। हाँ जी, इन्होंने किस तरह का किया है और रिएक्शन में हमने किस तरह का किया है। वेरी गुड सबा, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा नाटक करती हो। हाँ। और मैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा नाटक कर लेता हूँ। और आपकी एक्टिंग तो सुभान अल्लाह, जितनी आप एक्टिंग कर रहे थे दिल कर रहा था 50 रुपए काट लूं ओवर एक्टिंग के। यार ऐसे भला कब नहीं आप सीरियस थे बाकी? यार हमें क्या बताऊं, ना लड़ाई पाई गई है, क्या हो गया है? आपको पता भी है कैमरा चल रहा है, लेकिन ना कैमरे में फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूँ सारी इसकी असलियत देखे दुनिया। फिर उस टाइम तो आपको ज्यादा झटका लगा कि बाकी सीरियस मामला है। समझा नहीं है, हमारे जहन में नहीं था ये प्रैंक है, ये हकीकत है। चलें जी प्यारे बहन भाइयों, इस तरह के मामला तो होते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा बहरहाल ना आपको फिर भी आगाह कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैंक होता है ना उस टाइम पता नहीं होता,
तो इंशाल्लाह ताला हफ्ते में 2 से 3 जो है ना वो हमने प्रैंक इंशाल्लाह सोचे हुए हैं, तो प्रैंक करते रहेंगे, आपने भी करने हैं, मैं भी करूंगा। तो लेकिन ये है कि वो प्रैंक ऐसे हैं कि चाहे लाख बार भी बंदे को बता दो ना प्रैंक है, लेकिन वो नहीं समझेंगे कि प्रैंक है। वो उस टाइम इतने सीरियस हो जाएंगे ना, कुल्हाड़ियों के वार कर देंगे। ठीक हो गया। तो प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह आपको VIP आज जो है ना हमारे हाथ जाए, कल जो है ना माशाल्लाह से ईद है, अभी शाम वाला व्लॉग हमारा आएगा, एंजॉय कीजिएगा। और कल जो ईद वाले व्लॉग आएंगे ना, ठा करके आएंगे और जबरदस्त आएंगे, आप सबको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो अब मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, साबन भाई, बाय बाय।